Hello, greetings to all of you. Welcome to online benches by Examcore and Examcore Defense Warriors. शाम के 5 बज चुके हैं. हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ. भाई साहब, जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके. जय हिंद ऑफिसर्स, आ जाइए भाई फटाफट. सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में. गौरव, नेहा, वीनू, ज्योग्राफी, सिद्धार्थ, सत्यम, दीपिका, अनुराग, चेतन, मिस्टर विजय, रघुवंशी, हर्ष, सभी का बहुत 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 स्वागत है भाई आज की क्लास में. भाई पहले तो सब लोग जो हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें. आज है हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास. जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हमने पूरा बीड़ा उठाया है करंट अफेयर्स को खत्म करने का. मतलब भैया करंट अफेयर्स को इस बार पूरी तरह से कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं और मैं तीन तीन चीजें आप लोगों के लिए चला रहा हूं जहां पर डेली करंट अफेयर्स मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे दे रहा हूं, वीकली करंट अफेयर्स मंडे को शाम को 6 बजे दे रहा हूं और आज आपको मंथली करंट अफेयर्स है. कारण यह है बेटा, आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स जो है आपके जीएस में अकेले 20% क्वेश्चन देती है और 20% क्वेश्चन बेटा इतने होते हैं कि वो आपका एग्जाम में सिलेक्शन करवा सकते हैं या आपका एग्जाम में सिलेक्शन रुकवा सकते हैं. और इसलिए हर एग्जाम, चाहे आपका सीडीएस हो, ओटीए हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, यूपीएससी, सीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एफकैट हो, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी हो, हर एग्जाम में एक साल से ज्यादा की करंट अफेयर्स, लगभग एक साल, करीब 9 से 12 महीने की करंट अफेयर्स पूछी जाती है. सो आज बेटा हम पूरा अप्रैल 2021 खत्म करने वाले हैं. मतलब इसके अंदर वो खबरें मिलेंगी आपको जो बिल्कुल 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 टॉप खबरें हैं. सो याद रखिएगा, टॉप 50 खबरें हैं. सो टॉप 50 न्यूज हैं, याद रखिएगा, अप्रैल की. तो पूरे अप्रैल महीने में टॉप 50 खबरें हैं जो आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं. फटाफट भाई साहब सेशन को लाइक और शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ते रहें. ठीक है, बहुत बढ़िया. टॉप 50 न्यूज हैं और बच्चे पूछेंगे सर क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ कहां मिलेगा. तो पीडीएफ भाई ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जामपुर का जो टेलीग्राम चैनल है और एग्जामपुर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ. ठीक है भाई साहब, देखो अब ये बात बहुत खराब है. आप लोग कहते हो सर कि भाई करंट अफेयर्स करा दो, ये करा दो, वो करा दो, और जब कराने आया हूं तो 30 बच्चे पढ़ने आए हैं. मतलब अब बताओ यार, 30 बच्चों के लिए मैंने इतनी मेहनत करूंगा तो फिर इसका यूज क्या है, इस करंट अफेयर्स को बनाने का मुझे तो कोई यूज दिखाई नहीं देता है. तो भाई साहब सेशन को लाइक और शेयर करिए सब लोग ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े. ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जामपुर, आप लोग तो बहुत दिन से कह रहे थे सर मंथली करंट अफेयर शुरू करिए. जब मंथली शुरू करी है तो पढ़ने के लिए 30 बच्चे आए हैं, ये एक बहुत बड़ी कमी है. और एग्जामपुर पे सिर्फ 23 बच्चे, 26 बच्चे पढ़ने आए हैं, बताइए इससे क्या फायदा होगा. ठीक है, हां जी जल्दी बताइए, चलिए शुरू करते हैं. तो टोटल जो है भैया 50 खबरें होंगी, टोटल 50 न्यूज हैं आप लोगों के लिए. ठीक है, चलिए तो भाई सबकी इजाजत है, शुरू किया जाए सेशन, जल्दी बता दीजिए. तो ये मासिक सामयिकी है, टॉप 50 न्यूज हैं, 50 एमसीक्यूज हैं अप्रैल 2021. ठीक है, डाउनलोड द पीडीएफ फॉर रिवीजन. तो रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा. ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग फटाफट. ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं. तो अब आप देख सकते हैं करंट अफेयर के प्रोग्राम्स, आप देख सकते हैं मेरे चलते हैं डेली करंट अफेयर्स रात को 8 बजे चलता है. ठीक है, सो डेली करंट अफेयर्स रात 8 बजे चलता है, ये सीरीज जो है मंडे टू फ्राइडे चलती है. वीकली करंट अफेयर्स बेटा हर मंडे को चलता है, शाम को 6 बजे चलता है. उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक में चलता है हर महीने के. ठीक है, और उसके बाद वन ईयर कंप्लीट रिविजन भी मैं आप लोग को कराऊंगा. तो इस बार मतलब पूरा करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है. ठीक है, परिवर्तन बैच, जैसा
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लॉन्च हो चुका है, जहां पर मात्र 1499 रुपए में आपको 70 प्लस कोर्सेज मिल रहे हैं, एक साल की वैलिडिटी। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट खत्म होने वाली है 10 तारीख जो है, 10 मई इसकी लास्ट डेट है। आपने अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो फटाफट खरीद लीजिएगा। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी लाइनें जो हैं खुली हुई हैं आप लोग को जवाब देने के लिए। ठीक है, फटाफट आ जाओ, शुरू करा जाए, सब लोग रेडी? तो आज के 50 क्वेश्चन शुरू करें, जल्दी बता दीजिए। सब लोग आ चुके हैं तो शुरू किया जाए। चलो भाई, सब लोग आ गए हैं तो शुरू किया जाए। चलिए, सब लोग आ गए तो आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ। फटाफट आ जाइए, करंट अफेयर्स का सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। चलिए भाई, सबकी इजाजत हो चुकी है, अब सेशन शुरू किया जाए। चलिए भाई, शुरू करते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन ये देखिएगा, आज का पहली न्यूज क्या है? न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड, नई तितली प्रजाति की खोज। देखो बेटा, ये यूपीएससी को जो एनवायरमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इसके क्वेश्चंस बहुत पसंद हैं। तो ये देखिएगा, न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड, नई स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई डिस्कवर हुई है। आइए देखते हैं, पूछा गया है इन विच रीजन न्यू स्पीशीज ऑफ लाइसेनिड बटरफ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड। लाइकेनाइड तितली की नई प्रजाति किस क्षेत्र में खोजी गई है? जल्दी बताइए फास्ट। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताएं, देखते हैं कौन सही जवाब देने वाला है इसका। बहुत तेजी से जवाब दीजिए। एक नई तितली की प्रजाति है, आपने सुना होगा। हां जी, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हां जी, तो ये एक नई प्रजाति की तितली है, इसे अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया था। कहां पर? तो बेटा, इसे हमारे भारत में वेस्टर्न घाट्स में, जिसे बेटा आप शयाद्रीस भी कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए शयाद्रीस जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, और ये बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। तो यहां पर एक नई तितली प्रजाति है, लाइकेनाइड तितली की नई प्रजाति यहां पर पाई गई। राइट आंसर बी है। ये देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ बटरफ्लाई स्पीशीज वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल इंडियन रिसर्च टीम फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। द स्पीशीज हैव नाउ बीन एडेड टू द एक्सपेंडिंग लिस्ट ऑफ बटरफ्लाईज इन इंडिया। तो ये देख सकते हैं, ये एक नई प्रजाति की बटरफ्लाई है जो वेस्टर्न घाट्स में मिली है। राइट आंसर बी है। बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन है, न्यू फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल। ये देखिएगा, स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा नई वन शासन। ये देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा नया वन शासन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यू फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल। ये दूसरी खबर है, ये देखते हैं। पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल। किस संस्था ने स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा वन शासन नाम की रिपोर्ट जारी की है? जल्दी बताइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से संगठन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने की है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, नीति आयोग ने, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने? जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। बहुत बढ़िया, तो कौन सा ऐसा संगठन है जिसने स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा वन शासन नाम की रिपोर्ट जारी की है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बेटा याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जिसका नाम है FAO, जिसे आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि 1945 में बनी थी। हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए इसका रोम में है, यूनाइटेड नेशंस का ये हिस्सा है संयुक्त राष्ट्र का, और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की थी, याद रखिएगा। तो फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल, अ न्यू रिपोर्ट टाइटल फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल हैज बीन रिलीज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द फंड फॉर द डेवलपमेंट फॉर इंडिजिनस पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है जो कि अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। ठीक है, चलिए दूसरी खबर हो गई, तो सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम ने की थी। तीसरे क्वेश्चन है,
न्यूज नंबर थ्री है इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन न्यूज, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। ये देखिएगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन आप जानते हैं महंगाई जिसे कहते हैं, जिससे हमारा भारत हमेशा से ग्रसित है। व्हाट टॉलरेंस बैंड हैज बीन डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने किस संहिता बैंड का फैसला लिया है, जल्दी देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये बेटा ये भारत सरकार ने नई चीज निकाली है। क्वेश्चन नंबर तीन को देखिएगा ध्यान से, मुद्रास्फीति। हाँ जी जल्दी देखिएगा। हाँ जी, तो भाई यहां पर पूछा गया है व्हाट टॉलरेंस बैंड हैज बीन बैंड हैज बीन डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो जैसे महंगाई लोग कहते हैं ना कि भैया 6% बढ़ गई है, कोई कहता है कि महंगाई 8% बढ़ गई है, कोई कहता है महंगाई 10% बढ़ गई है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि कितनी महंगाई बढ़नी चाहिए जो टॉलरेंस के अंतर्गत आती है, सहिष्णुता के अंदर आती है, मतलब जो लोग झेल सकते हैं हमारे देश में, याद रखिएगा। So, केंद्र सरकार ने किस सहिष्णुता बैंड का फैसला किया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी देखिएगा। राइट आंसर है बेटा +-2%, याद रखिएगा राइट आंसर ए है। सो ए इज द राइट आंसर, +-2%। द सेंटर इज डिसाइडेड टू रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% विद अ टॉलरेंस बैंड ऑफ +-2% फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द आरबीआई फॉर कमिंग 5 ईयर्स। तो अगले 5 सालों तक आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है 4%+-2% के आसपास रहना चाहिए। यह बहुत बढ़िया चीज कही है, ठीक है। यह देखिएगा, यह बहुत अच्छी खबर है। चौथी खबर है इंडियन मिलिट्री फार्म्स इन न्यूज, आपने सुना होगा भारतीय सैनिक सैन्य फार्मों के बारे में। तो हमारे भारतीय सेना के जो फार्म होते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। What was the aim of the formation of the military farms? आपको मालूम है कि 100 साल से ज्यादा समय से हमारे देश में मिलिट्री फार्म्स चल रहे थे, लेकिन अभी इन्हें खत्म कर दिया गया है। तो सैन्य फार्म के गठन का उद्देश्य क्या था? To supply hygienic cow milk, to supply cow fat, to supply vegetable and fruits, both A and B। आपको मालूम है कि 100 साल के बाद ये फैसला लिया गया है और हमारे देश में जो फार्म्स हुआ करते थे, मिलिट्री फार्म्स जो थे, उन्हें सरकार ने बंद करने का फैसला ले लिया है, याद रखिएगा। तो सप्लाई ले लिया गया है 132 साल की सेवा के बाद, याद रखिएगा ये फैसला लिया गया है। और इसका जो मेन एम था वो था टू सप्लाई हाइजीनिक काऊ मिल्क। तो हाइजीनिक काऊ मिल्क सप्लाई करना ही जो है इसका सबसे बड़ा मेन मकसद था, याद रखिएगा, ठीक है। तो काऊ मिल्क जो है बेटा इसका मेन मकसद था और राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इंडियन आर्मी हैज क्लोज इट्स मिलिट्री फार्म्स आफ्टर 132 इयर्स ऑफ सर्विस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है बेटा इंडियन आर्मी के इंडिजिनस फार्म्स हुआ करते थे, इन्हें 132 सालों के बाद फाइनली जो है हमारे देश में खत्म कर दिया गया है, क्या कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स वगैरह को थोड़ा सा बचाया जा सके। आप जानते हैं ऑलरेडी मिलिट्री पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है और देश की टोटल जीडीपी का 20% से ज्यादा पैसा अकेले जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर खर्चा होता है, इसीलिए उसको बचाने के लिए सरकार ने कदम उठाए थे, ठीक है। पांचवी खबर है इंडिया यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये देखिएगा भारतीय विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, ये क्या है? तो इंडियन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने सुना होगा, पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये क्या है जल्दी बताओ। तो ऑफ हाउ मेनी डिजिट द यूनिक आईडी विल बी प्रोवाइडेड अंडर द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत यूनिक आईडी कितने अंक की प्रदान की जाएगी, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भैया, गलत मत करना। हां जी, आपने सुना होगा पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भारत सरकार नया निकालने जा रही है और याद रखिएगा ये कितने डिजिट का होगा। हां जी बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं भाई साहब, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मालूम होना चाहिए, ये 14 डिजिट का है जो सरकार ने अभी रिसेंटली निकाला है। राइट आंसर बेटा ये सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। तो सेंटर विल सून रोल आउट अ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द कंट्री अलॉटिंग डिस्टिंक्ट आईडीज फॉर ईच लैंड पार्सल ऑफ 14 डिजिट्स। तो होता क्या है कि जो लैंड पार्सल्स होते हैं, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उन पर जो है बेटा आईडीज लगाई जाती हैं और वो आईडीज 14 डिजिट की होंगी, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा छठी खबर है, ये भी काफी बड़ी खबर है, संकल्प से सिद्धि, आपने सुना होगा इसके बारे में, संकल्प से सिद्धि, ये सुना है आपने, बहुत बड़ी खबर है। संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट ड्राइव इज एन इनिशिएटिव ऑफ, संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव की एक पहल है, जल्दी बताओ
किसकी पहल है? ट्राइफेड की, नीति आयोग की, ग्रीन पीस की, नन ऑफ द अबव। संकल्प से सिद्धि, जल्दी देखिएगा तो संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। आपको मालूम होना चाहिए ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे देश के जो गांव हैं, विलेज हैं, उन्हें डिजिटल माध्यम से कनेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नाम रखा गया है संकल्प से सिद्धि। ये किसका इनिशिएटिव है? तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड। ट्राइफेड आपको मालूम होना चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए हमारे देश में काम करती है। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। तो ट्राइफेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करती है, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। तो विलेज को डिजिटल कनेक्ट करना है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, सो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, याद रखिए, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट संगठन है। और संकल्प से सिद्धि, इनका जो मेन मकसद है वो ये है कि भारत के जो ट्राइबल विलेजेस हैं उन्हें डिजिटल तरीके से कनेक्ट किया जा सके, ताकि इससे एक और चीज हो कि जो ट्राइबल लोग अपने रिसोर्सेज वगैरह जो जंगल में प्रोड्यूस करते हैं उसको बेचने के लिए उनके पास एक मार्केट वगैरह जैसी प्लेसेस होनी चाहिए, ताकि वो अपने सामान को भेज सकें। ये देखिएगा सातवीं खबर है जॉर्डन, जॉर्डन से आ रही है जॉर्डन इन न्यूज। अब जॉर्डन क्या है आपको मालूम होना चाहिए, एक कंट्री है जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन एक देश है, याद रखिएगा। जॉर्डन जो है अभी क्यों क्वेश्चन में है तो अभी बताता हूं कि जॉर्डन इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जॉर्डन निम्नलिखित में से किस देश से सीमाबद्ध है? सऊदी, इराक, सीरिया, सेलेक्ट द करेक्ट, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि अभी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जल्दी बताइए कि जॉर्डन का बॉर्डर जो है किस देश से लगा है? सऊदी, इराक, सीरिया, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, अभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है। तो जॉर्डन जो है आपने सुना होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। यही वो कंट्री है जब 1991 में कुवैत से बहुत सारे भारतीय लौटे थे तो इसी देश के थ्रू लौट करके आए थे। तो जॉर्डन की जो बाउंड्री है बेटा वो तीनों से लगी है, सऊदी से भी है, इराक से भी है, सीरिया से भी है। क्यों क्वेश्चन पूछा गया है? इन अ मार्क्ड फ्लेयर अप टेंशन विद जॉर्डन रॉयल हाउस होल्ड, प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन द फॉर्मर क्राउन प्रिंस एंड हाफ ब्रदर ऑफ रूलिंग मोनार्क अब्दुल्ला has reportedly been placed under house arrest as part of the crackdown on crisis. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जॉर्डन के जो राजा हैं जिनका नाम है किंग अब्दुल्ला, उनके जो सौतेले भाई हैं उनका नाम है प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन, उन्होंने बेटा जो है अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा था तख्ता पलट करने के लिए। अभी फिलहाल उन्हें उठाकर जो है जेल में बंद कर दिया गया है। सो प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन जो कि बेटा क्राउन प्रिंस हैं, याद रखिएगा, हाफ ब्रदर हैं, मतलब सौतेले भाई हैं जो मोनार्क हैं कहाँ के, और जॉर्डन के, जिनका नाम है किंग अब्दुल्ला, उन्होंने जो है षड्यंत्र रचा था अपने भाई के खिलाफ सत्ता पलट करने के लिए और अभी उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया के कौन से देश में शाही परिवार में जो है सत्ता पलट के लिए जो है बवाला हुआ था अभी, तो जॉर्डन के शाही परिवार में हुआ था, इन्हें हाउस अरेस्ट पे डाला गया है। राफेल जेट्स, देखिएगा भैया राफेल की खबरें तो लगातार आती रहती हैं और फिर से राफेल की एक और खबर है, आठवीं खबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राफेल जेट्स। राफेल जेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द सेकेंड राफेल स्क्वाड्रन इज एट हाशिम आरा इन वेस्ट बंगाल, सॉरी, द फर्स्ट बैच ऑफ द फाइव जेट्स, थ्री सिंगल सीट एंड टू ट्विन जेट्स, ट्विन सीटर ट्रेनर्स वर फॉर्मली इंडक्टेड इन टू द नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ऑफ द IAF लास्ट सेप्टेम्बर एट द अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। तो भाई आपको सबको मालूम होगा कि राफेल का जो स्क्वाड्रन है जिसका नाम है गोल्डन एरोज, आप सबको मालूम है कि गोल्डन एरोज जो है कहां पर स्थित है, अंबाला में है। अब आपको मालूम है कि राफेल का जो है दूसरा स्क्वाड्रन बनाया जा रहा है, जैसे तेजस का स्क्वाड्रन जो है कोयम्बटूर में बनाया जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा सेकंड जो स्क्वाड्रन है राफेल का कहां बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी है, हाशिम आरा में बनाया जा रहा है। हाशिम आरा जो है आपको मालूम होना चाहिए छोटा सा टाउन है जो कि भूटान बॉर्डर पर है। सो इंडिया भूटान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी का बेस है हाशिम आरा, कभी आप जाइएगा यहां, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है हाशिम आरा, आप देखेंगे कभी जाइएगा, मैं यहां पे गया हुआ हूं तो आप देखेंगे यहां पर सुबह जो है सारे लोग जो है
कारें लेकर के भूटान की तरफ जाते हैं। दरअसल भूटान में जो है बेटा पेट्रोल बहुत सस्ता है और लोग जो है भूटान में पेट्रोल डलवाना पसंद करते हैं। भारत में जहाँ पेट्रोल 90 रुपये लीटर मिलता है, वहीं भूटान में वो 50-60 रुपये लीटर मिल जाता है, इसलिए लोग जो है भूटान जाकर पेट्रोल डलवाना ज्यादा पसंद करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखिएगा बेटा कि राफेल का जो पहला स्क्वाड्रन है वो कहाँ बना था, वो नंबर 17 गोल्डन एरोज जो कि अंबाला में बना था, दूसरा स्क्वाड्रन हाशिमारा में बन रहा है, और तेजस जो हमारा हमारे देश में आने जा रहा है, आपको मालूम होगा LCA तेजस के बारे में आपने सुना होगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसका जो स्क्वाड्रन है बेटा वो कोयम्बटूर में बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए भाई साहब। एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर ऑनलाइन बेंचर्स, कैसा लग रहा है सेशन सब लोग बताइएगा भाई, सब लोग को कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अप्रैल के करंट अफेयर्स आप लोग को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, प्लीज जरूर मुझे बताते रहा करिए ताकि मुझे मालूम चलता रहे कि आप सब इंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चंस को या नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, शिवांश भटनागर साहब, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा भाई साहब, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन सब लोग मुझे जरूर बताइए, सबको डिस्कशन कैसे लग रहे हैं, नाइस, अच्छे लग रहे हैं। चलिए, तो इंडिया विल रिसीव अनदर 8 to 9 राफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस बाय मिड मे विथ सम एक्सपेक्टेड लेटर दिस मंथ। अब आपको मालूम है कि 8-9 राफेल और हमारे देश में आने वाले हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए फ्रांस के साथ इजिप्ट ने भी डील की है राफेल फाइटर्स के लिए, इस बात को लेकर काफी बवाला मच रहा है कि जितने हमने जो है राफेल्स बहुत हाई कॉस्ट पे जो है फ्रांस से खरीदे हैं, लेकिन अब जो इजिप्ट के साथ डील हुई है उसमें काफी कम दाम पे जो है बात हुई है। अब ये देखो बेटा, ये तो मैं गारंटी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, मैं गारंटी बता रहा हूं। इंगेन्यूटी के बारे में आपने सुना होगा, ये न्यूज में था, न्यूज नंबर 9, और ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट खबर है। इंगेन्यूटी ये आपके एग्जाम में आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंगेन्यूटी, इंगेन्यूटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंगेन्यूटी इज अ स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर लोकेटेड ऑन मार्स सिंस फरवरी 18। इंगेन्यूटी मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 से स्थित एक छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है। इट इज इंटेंडेड टू मेक द फर्स्ट पावर्ड एटमॉस्फेरिक फ्लाइट ऑन प्लैनेट बियॉन्ड अर्थ, या पृथ्वी से परे एक ग्रह पर पहली संचालित वायुमंडलीय उड़ान भरने का इरादा है। आपको मालूम होना चाहिए नासा ने जो मिशन भेजा था, बहुत ही बड़ा मिशन है जिसका नाम है बेटा प्रिजर्वरेंस मिशन, याद रखिएगा। हाँ, नासा का भैया, हम सब ने प्रिजर्वरेंस मिशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और प्रिजर्वरेंस मिशन जो नासा का है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो नासा का प्रिजर्वरेंस मिशन है उसमें एक हेलीकॉप्टर लगाया गया जिसका नाम इंग्यूनिटी है, और इंग्यूनिटी ने अप्रैल 2021 में, ये याद रखिएगा, ये पहला दुनिया का इतिहास है कि जब अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर किसी हवाई जहाज ने बेटा उड़ान भरी है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट आंसर बेटा सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। सो याद रखिएगा, ये इंग्यूनिटी ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं, ये बेटा हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, ये मार्स के ऊपर है, और अर्थ के अलावा दुनिया के किसी और प्लैनेट पे आज तक कभी भी कोई उड़ान नहीं भरी गई है। तो 11 अप्रैल को उसने उड़ान भरी थी, ये बहुत ऐतिहासिक चीज है, याद रखिएगा, इंग्यूनिटी। ठीक है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021, ये देखिएगा। सो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, हमारे देश में ये काफी बड़ी चीज आई है। रेयर डिजीजेस आप जानते हैं बेटा, एक ऐसी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं जो बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं, उस पर जो है नेशनल पॉलिसी है। तो विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिएगा, द नेशनल कंसोर्टियम इज टू बी सेट अप एट लोअर द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रेयर डिजीज विच इंक्रीज फोकस ऑन इंडिजिनस रिसर्च, स्वदेशी अनुसंधानों पर अधिक ध्यान देने के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाएगी। द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू प्रमोट टर्शरी हेल्थ केयर विल बी प्रोवाइडेड 1 time फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 5 करोड़। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए
उत्कृष्टता केंद्र को 5 करोड़ रुपए तक का एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इट एनविसेजेस क्रिएशन ऑफ अ नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिजीज, या दुर्लभ बीमारियों के राष्ट्रीय अस्पताल आधारित रजिस्ट्री के निर्माण का परिकल्पना करता है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जल्दी बताओ बेटा, याद रखिएगा, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज मतलब जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, एक तो पहली चीज जेनेटिक डिजीजेस बहुत खतरनाक होती हैं, प्लस उनमें खर्चा बहुत होता है जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन बेटा जब क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही होते हैं। तो पहली चीज यह है कि इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश में स्वदेशी रिसर्च हो, जिससे हम जो है खर्चा कम कर सकें। दूसरी चीज यह है कि सरकार इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए देगी। और तीसरी चीज यह है कि हॉस्पिटल से कहा जाएगा कि रेयर डिजीज पर आप रजिस्ट्री मेंटेन करें, ताकि हमारे पास उसका डेटा अवेलेबल हो सके। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, अब ये देखिएगा, 12वीं खबर है वर्ल्ड हेल्थ डे से, विश्व स्वास्थ्य दिवस से, और विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द थीम ऑफ द ईयर 2021 इज बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर एंड हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। वर्ष 2021 की थीम सभी के लिए स्वस्थ स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना है। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज हेल्ड एनुअली ऑन 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 6 अप्रैल को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जल्दी बताओ, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड आंसर, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। हाँ जी, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जल्दी बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कौन दे रहा है। क्या बेटा ये इसका थीम ये था, और दूसरी चीज क्या, ये 6 अप्रैल को बनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर बेटा ए हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि 6 अप्रैल को नहीं बल्कि 7 अप्रैल को बनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, हेल्थ डे जो है, वो 7 तारीख को बनाया जाता है, ना कि 6 अप्रैल को, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये 1950 से बनाया जा रहा है। न्यूज नंबर 13 देखिएगा, ये भी अच्छी खबर है। इंडिया जापान एमओयू फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग और विनियम के लिए भारत जापान समझौता ज्ञापन, एमओयू आपको सुना होगा बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। और जापान और भारत के बीच एक एमओयू साइन हुआ था। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एमओयू फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एंड एक्सचेंज रिसेंटली। आंसर तो ऐसे मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी आप बताइएगा, किस देश के साथ भारत ने हाल में ही शैक्षणिक और अनुसंधान और विनिमय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही आसान है बेटा, तो एमओयू जो है एकेडमिक रिसर्च और एक्सचेंज के लिए किया गया है। सो एकेडमिक रिसर्च और एक्सचेंज के लिए भारत ने अभी एमओयू किसके साथ साइन किया है, पास जल्दी। बहुत बढ़िया, बुद्धाराम सिरोही साहब, बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। तो बेटा अभी भारत सरकार ने ये साइन किया है, बिल्कुल सही है, शाबाश, क्या बात है, काफी अच्छे लोग जवाब दे रहे हैं। तो भारत ने ये जापान के साथ अभी जो है रिसेंटली साइन किया है, ये काफी बड़ी चीज है जो हमने भारत ने जापान के साथ अभी की थी, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब ये देखिएगा, INS सर्वेक्षक, ये देखिएगा INS सर्वेक्षक, नाम से मालूम चल रहा है INS, ये इंडियन नेवल शिप सर्वेक्षक के बारे में क्वेश्चन है, और याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू INS सर्वेक्षक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें INS सर्वेक्षक के संदर्भ में। इट इज अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, यह एक जल सर्वेक्षण समुद्री जहाज है। द शिप कैरीज एन इंटीग्रल चेतक हेलीकॉप्टर विच वुड बी एक्सटेंसिवली डिप्लॉयड ड्यूरिंग द सर्वे, जहाज एक अभिन्न चेतक हेलीकॉप्टर ले जाता है, जिसे सर्वेक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा। बहुत अच्छा है INS सर्वेक्षक, आपने सुना होगा पिछले साल भारत ने श्रीलंका का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था। तो INS सर्वेक्षक से क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा कौन सही जवाब देगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, गलत जवाब मत दीजिएगा। तो हाँ जी, इट इज अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, द शिप कैरीज एन इंटीग्रल चेतक हेलीकॉप्टर, याद रखिएगा। हाँ जी, तो याद रखिएगा, राइट आंसर सी है, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, राइट आंसर बिल्कुल सी है बेटा। INS सर्वेक्षक ये मॉरिशस के लिए गया है, आपने सुना होगा
पिछले साल हमने कहाँ का किया था? पिछले साल हमने श्रीलंका का किया था। इस बार हम कहाँ का कर रहे हैं? तो इस बार बेटा हम लोग मॉरिशियस का कर रहे हैं। और आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो नेवल शिप है INS सर्वेक्षक, उसने रिसेंटली किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था? तो भारत ने किया था बेटा मॉरिशियस का, याद रखिएगा, ठीक है? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपको मालूम होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिलेटेड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, 1964 में यह बनाई गई थी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, आपको मालूम होना चाहिए। तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस पर हमारे देश में केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था। इसका काम था हमारे देश में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको पकड़ना। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर की थी, जिसके प्रमुख कौन थे जल्दी बताइएगा। 1964 में मैंने आपको बताया कि हमारे देश में सीवीसी को शुरू किया गया था। ये एक स्टैचुएटरी बॉडी थी। स्टैचुएटरी बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैचुएटरी बॉडी का मतलब होता है वैधानिक संस्थान, मतलब ऐसे संस्थान जिन्हें बनाने के लिए संसद में कानून पास किया जाता है, उन्हीं को बेटा हम वैधानिक संस्थान कहते हैं, याद रखिएगा। इन्हें हम स्टैचुएटरी बॉडी कहते हैं क्योंकि इनको बनाने के लिए संसद में कानून पास किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, मिस्टर के संथानम इज द राइट आंसर, ठीक है? हाँ जी। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ जी, अभी क्यों क्वेश्चन किया गया है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज मॉडिफाइड द गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू अ ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स इन द विजिलेंस यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्ट्रिक्टिंग देयर टेन्योर टू 3 years एट वन प्लेस। तो पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अधिकारी थे वो एक जगह पर कई कई साल पड़े रहते थे, इससे क्या होते थे वो खुद भ्रष्ट हो जाते थे। तो सरकार ने अब नियम निकाल दिया है कि कोई भी अधिकारी एक पद पर जो है 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम, ये काफी बड़ा कार्यक्रम है, साइंस एंड टेक का काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये कार्यक्रम अभी रिसेंटली किसी राज्य ने शुरू किया है। तो लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, आपने सुना होगा लैब ऑन व्हील्स। तो क्या हो रहा है कि एक बस के अंदर बेटा लैब बनाई जाएगी जो कि अलग अलग जगहों पर जाएगी जहां पर बच्चों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाएंगे और उनको साइंस और टेक के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। तो काफी अच्छा कार्यक्रम है, इसे रिसेंटली अभी किसी जगह शुरू किया गया है। जल्दी बताओ, लैब ऑन व्हील्स अभी आपने देखा होगा, ये काफी अच्छी चीज है, इसे किसने शुरू किया है? जल्दी देखते हैं कौन सही जवाब देता है। लैब ऑन व्हील्स, तो बेटा ये व्हील्स पर लैब है एक तरह से आप कह सकते हैं, और इसे जो है आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री डेप्यूटी सीएम श्री मनीष सिसोदिया ने शुरू किया था। ये दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का काम है, DTU का काम है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी। सो दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया इनॉग्रेटेड दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम, ठीक है? तो ये देख सकते हैं ये काफी अच्छा कार्यक्रम है और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब ये देखिएगा, न्यूज नंबर 17 है E9 पार्टनरशिप। अब ये आप पूछेंगे कि यार ये E9 पार्टनरशिप क्या है, ये देखिएगा। सो ये सारी खबरें जो हैं अप्रैल की जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द E9 पार्टनरशिप। E9 साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1993 अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसे पहली बार 1993 में विश्व बैंक के तत्वाधन में स्थापित किया गया था। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ E9 पार्टनरशिप, भारत E9 साझेदारी का सदस्य नहीं है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। E9 के बारे में आपने सुना होगा, जल्दी बताइएगा। बहुत अच्छा, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी बताइए, फास्ट जल्दी बताओ। E9, हाँ जी, E9 आपने सुना होगा, फास्ट जल्दी बताइए सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है E9। हाँ जी, E9 जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन बताएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, E9, ठीक है, जल्दी 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 सब लोग जवाब दें। E9 पार्टनरशिप में क्या भारत शामिल है या नहीं है, जल्दी देखेंगे तो राइट आंसर बेटा डी हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं। तो याद रखिएगा, पहली चीज मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एड्रेस द कंसल्टेशन मीटिंग एजुकेशन E9, याद रखिएगा। सो E9 में पहली चीज याद रखिएगा, हाँ जी, इंडिया इसका मेंबर है,
आप देख सकते हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मेक्सिको, ब्राजील, इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल है इसमें। और याद रखिएगा कि इसको यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया था 1993 ने, ना कि वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये यूनाइटेड नेशंस के एजिस में आया था। नेटो, नेटो के बारे में आपने सुना होगा, नेटो भैया बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज का एक ग्रुप है नेटो। तो विच कंट्री हैज अर्ज द नेटो टू स्पीड अप इट्स हिज कंट्रीज मेंबरशिप इन द अलायंस, किस देश ने संगठन में अपने देश की सदस्यता को गति देने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो से आग्रह किया है। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली बेटा, तो एक देश जो है नेटो के अंदर बहुत तेजी से एंट्री लेना चाहता है और उसने नेटो से कहा है कि भैया हमें जो है आप फटाफट मेंबरशिप प्रोवाइड करें, तो जल्दी बताइएगा। हाँ जी जल्दी बताइए, तो कौन सा देश जो है चाहता है कि नेटो के अंदर उसे तुरंत जो है मेंबरशिप मिल जाए, जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता है इसका सही जवाब। तो कौन सा देश है जो नेटो के अंदर आना चाहता है, बिल्कुल सही है बेटा, यूक्रेन। आपको मालूम होना चाहिए यूक्रेन जो है फॉर्मर सोवियत यूनियन का एक कंट्री है, रशिया का पड़ोसी भी है, याद रखिएगा। हाँ जी ये देखिएगा इंडिया COS रिसेंट विजिट, यह देखिएगा। हाँ जी तो COAS का मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो भारतीय कोष की यात्रा, ये देखिएगा ठीक है। जनरल MM नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज प्रोसीडेड ऑन अ विजिट टू विच कंट्री, जनरल MM नरावने थल सेना प्रमुख भारत के किस देश की यात्रा पर गए हैं, अभी आपको मालूम होना चाहिए, जल्दी बताइएगा किस देश की यात्रा पर गए हैं। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा बेटा, उस देश को बेटा अभी जो है 50 साल हुए हैं, तो 50 साल का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो एज अ चीफ गेस्ट बुलाए गए थे नरावने साहब को वहां पर। तो याद रखिएगा जनरल MM नरावने जो हमारे जो मेजर मुकुंद नरावने साहब हैं, उन्हें अभी 50वीं सालगिरह पे बुलाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ और उसकी 50वीं वर्षगांठ चल रही है। राइट आंसर बेटा बांग्लादेश गए थे, याद रखिएगा नरावने साहब हमारे, बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ये देख सकते हैं 50 वर्ष पूरे हो गए। इंडिया सीशल्स रिलेशंस, ये देखिएगा न्यूज नंबर 20वीं, काफी अच्छी खबर है। इंडिया सीशल्स रिलेशंस, सीशल्स के बारे में आपने सुना होगा, एक छोटा सा देश है जो कि बेटा अफ्रीकन कोस्ट पर आता है। आपको देखते हैं अफ्रीकन कोस्ट पर कई सारे देश हैं जहां पर भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं, जैसे मॉरिशियस है, सीशल्स है, मडागास्कर है, जहां पर भारत ने काफी अच्छे रिश्ते बना रखे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडिया सीशल्स रिलेशंस, भारत सेशल संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया हैज हैंडेड ओवर अ मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल टू द सीशल्स कोस्ट गार्ड, भारत ने सीशल्स कोस्ट गार्ड को एक मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल सौंप दिया है। इंडिया हैंडेड ओवर अ 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन द सीशल्स बिल्ड विद इंडिया असिस्टेंस, भारत ने भारत की सहायता से निर्मित सेशल्स में 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा यंत्र सौंपा है, जल्दी बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सीशल्स बट आपको मालूम है छोटे मोटे देशों में भारत क्या करता रहता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता रहता है ताकि भारत की भी वहां पर अच्छी रिश्ते वगैरह बनते रहें, बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2 है। तो आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि भारत ने रिसेंटली अभी फास्ट पेट्रोल वेसल किसको दिया था, तो सीशल्स को दिया था, और 1 मेगावाट का जो है सोलर पावर प्लांट भी सीशल्स में लगाया था, याद रखिएगा ठीक है। हाँ जी तो ये हो गया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा नेट जीरो गोल, ये भी बहुत बड़ी चीज है, ये क्वेश्चन जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के है और क्लाइमेट चेंज जो है बेटा हमारे यूपीएससी को बहुत ज्यादा पसंद है, याद रखिएगा। नेट जीरो गोल ये बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट को लेकर के है, याद रखिएगा। सो कार्बन फुटप्रिंट्स को लेकर के है कि किस तरह से दुनिया जो है कार्बन को कम करना है, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेट जीरो गोल, नेट शून्य लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट मींस दैट द कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशंस टू जीरो, द नेट जीरो गोल डज नॉट फिगर इन द 2015 पेरिस अग्रीमेंट। तो इसका मतलब है कि एक देश अपने उत्सर्जन को शून्य तक ले आएगा, 2015 के पेरिस समझौते में शुद्ध शून्य लक्ष्य का आंकड़ा नहीं है। तो पेरिस अग्रीमेंट आपको मालूम होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। और ये अब पहली चीज ये है कि नेट जीरो गोल, पहली चीज याद रखिएगा, नेट जीरो गोल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी देश जो है, ऑब्वियस ही बात है बेटा कि हर देश की अपनी इकोनॉमी है, इंडस्ट्रीज है,
जीरो एमिशन तो कोई कर ही नहीं सकता है। और याद रखिएगा कि 2015 का जो पेरिस अग्रीमेंट था उसमें ये शामिल नहीं था। तो नेट जीरो का मतलब ये है कि अगर इस साल आप उत्सर्जन कम करते हैं तो आगे आपको जो है स्कोप मिल जाता है थोड़ा ज्यादा उत्सर्जन करने का, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, ये देखिएगा, रैशनलाइजेशंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, ये देखिएगा, ये अच्छी खबर है। द रोल सिग्निफिकेंस ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल नाउ एबॉलिश्ड, आपको मालूम होगा। सो ये हमारे देश में एक बड़ी खबर आ रही है सीबीएफसी को लेकर के। तो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन होता है ना, जो जिसे हमारे देश में सीबीएफसी के नाम से आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर है, जो आए दिन जो है डायरेक्टरों से लड़ाई चलती रहती है, ये फिल्मों की रेटिंग को कुछ और कर देता है। असल में क्या होता है, सीबीएफसी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, तो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन है, मतलब आपका काम होता है सर्टिफिकेट देना कि ये पिक्चर सब लोग देख सकते हैं या सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं या पेरेंटल गाइडेंस में देखना है या यूनिवर्सल है। लेकिन हमारे देश में सीबीएफसी को लोग जो है पॉपुलरली सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं, जो फिल्मों के सीनों को काट छाट करता है। अब ऐसी कंडीशन में जब सीबीएफसी कुछ करता था, लोग ट्रिब्यूनल चले जाते हैं, उस पर एक क्वेश्चन आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फिल्म सर्टिफिकेट एप्लेट ट्रिब्यूनल एफसीएटी, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में इसे खत्म कर दिया गया है। तो फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण एफसीएटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एफसीएटी वॉज अ स्टैचुएटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग 1983 अंडर सेक्शन 5D ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट, ठीक है। तो द ट्रिब्यूनल वॉज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, पूछा गया, आपको मालूम होना चाहिए कि जब बेटा फिल्म डायरेक्टर्स की सीबीएफसी से लड़ाई होती थी तो एफसीएटी चले आते थे, लेकिन भारत सरकार ने अभी रिसेंटली फैसले में एफसीएटी का जो कंसेप्ट है हमारे देश से खत्म कर दिया है। तो फिल्म सर्टिफिकेट एप्लेट ट्रिब्यूनल अब आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए इस कंसेप्ट में ये चीज सही है या मतलब ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट कौन सा सही है। पहली चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेटा ये मुंबई में नहीं बल्कि नई दिल्ली में है, ठीक है, और ये खत्म कर दिया गया। वैसे तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ओनली वन इज द राइट आंसर, याद रखेगा। सो ये मुंबई में नहीं, नई दिल्ली में है, तो ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे देश में खत्म कर दिया गया है। तो अगर आप डायरेक्टरों की लड़ाई होती है बेटा सीबीएफसी से, तो वो कहीं पे अपील नहीं कर सकते हैं। अब उनको क्या होता है कि अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक डायरेक्टर, उसने पिक्चर बनाई और सीबीएफसी ने उससे लड़ाई हो गई, तो वो एफसीएटी नहीं, अब सीधे जो है बेटा वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो यहाँ पर जो एपलेट का कंसेप्ट था, वो जो ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट था, वो खत्म करके उसके जगह हाईकोर्ट खुला दिया गया है। ड्रोन्स, ये देखेगा, ड्रोन्स इन न्यूज, समाचार में ड्रोन्स तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं खूब। हाँ जी, ये देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ड्रोन्स। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैव ग्रांटेड कंडीशनल एग्जेम्पशन टू सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट फॉर सर्वेइंग इन कोलफील्ड एरियाज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय खनन योजना और डिजाइन संस्थान को सशस्त्र सूत्र दी है। द कंडीशनल एग्जेम्पशन इज वैलिड टिल 4 अप्रैल 2022 फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर और अंटिल द फुल ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म विच एवर इज अर्लियर। ठीक है बेटा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है सेंट्रल कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड ने करने को कहा था, उन्होंने कहा था कि भैया हमें जो है अपनी जो कोल्ड फील्ड्स हैं उनका सर्वेक्षण करना है, इसके लिए हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है। इस पर जो है हालांकि भारत सरकार के काफी सारे नियम हैं ड्रोन्स को लेकर के कि आप ऐसे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। तो भारत सरकार ने जो है बेटा सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट को आजादी दी है कि आप ड्रोन की मदद से जो है सर्वेक्षण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ड्रोन की परमिशन दे दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ रिसेंटली सीन इन न्यूज विल बी सेट अप इन, हाल में ही खबरों में नजर आने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना कहां की जाएगी, जल्दी बताओ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना रिसेंटली कहां की जाएगी, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, आधे क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, 25वां क्वेश्चन इसके बाद है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, हाँ जी, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना हमारे देश में कहां पर की जाएगी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए है, नागपुर में, याद रखिएगा। हाँ जी, सो नागपुर इज द राइट आंसर।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें केचुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग विल अज्यूम द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इफेक्ट फ्रॉम 13 अप्रैल 2021। निम्नलिखित में से कौन 13 अप्रैल 2021 प्रभावी होने के साथ मुख्य निर्वाचन आयोग के पद पर भार करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री सुनील कुमार अरोड़ा, तो सुनील कुमार अरोड़ा साहब रिटायर हो गए और उनके जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए। जल्दी बताओ कौन आए हैं। तो सुनील कुमार अरोड़ा साहब हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो रिटायर हो गए और उनके जगह पर नए निर्वाचन आयुक्त हैं। जल्दी बर्दमान सिरोही, आज बेटा टोटल 50 क्वेश्चन है अप्रैल के, ठीक है, जल्दी बताइएगा। हां जी बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे श्री सुशील चंद्रा, तो सुशील चंद्रा साहब हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये भाई हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे हो गए, कैसे लग रहे हैं जल्दी बताओ। हां जी ओके, लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मतलब इस करंट अफेयर्स को बनाने के लिए मैंने एक हफ्ते मेहनत की है, एक हफ्ते की मेहनत है इस करंट अफेयर को बनाने के लिए, और क्लास में पढ़ने आए 40 बच्चे, मतलब मैं सोच रहा अगले महीने से कराऊंगा ही नहीं। अब वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर ही आप लोग के लिए सही है, आप लोग पढ़ने ही नहीं चाहते हैं, जो पढ़ने ही नहीं चाहते हैं तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। भाई टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन तब पढ़ाना जब बच्चे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। इस करंट अफेयर को पढ़ाने के लिए बेटा, इस करंट अफेयर को बनाने के लिए एक हफ्ते की लंबी मेहनत की गई है, बहुत तगड़ी वाली, और पढ़ने जो हैं सिर्फ बहुत अच्छी बात है, 25, 30, 40, 50 बच्चे आते हैं, तो इतनी मेहनत करने का फायदा कुछ मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये मतलब बहुत बहुत हाई मेहनत वाली चीजें हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, लेकिन वही सच्चाई है ना, असली ये है कि अगर आपको यूपीएससी लेवल के पेपर निकालने हैं, सीडीएस सीएपीएफ आपको निकालना है, आपको एनडीए का पेपर निकालना है, और अगर आपको लगता है कि आप जो है सिंगल लाइनर क्वेश्चन करके वो पेपर निकाल लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, फिर मतलब समझ लीजिए फिर आपको ही उसका नुकसान होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा आपको याद रखिएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये इतना आसान पेपर नहीं होता है यूपीएससी का, ठीक है, ये हलवा नहीं है, ऐसे ही नहीं है बेटा, आप क्लास वन गजेटेड ऑफिसर भारत सरकार के नहीं बन जाएंगे, उसको आपको कमाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं आपको करना है ना कि भैया जो है भारत की राजधानी क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 26। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं भैया, हमारा परिवर्तन 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जहां पर मात्र 1499 रुपए में आप 70 प्लस कोर्सेज खरीद सकते हैं एक साल की वैलिडिटी के साथ। एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, इस नंबर पे आप हमें कॉल करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, और याद रखिएगा कल 10 मई है, कल लास्ट डेट है इस बैच को खरीदने का, अगर अभी तक नहीं खरीदा है फटाफट खरीद सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे दो चैनल हैं, पहला चैनल है हमारा एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, जो कि एयरफोर्स एक्सवाई एनडीए नेवी के लिए है, और जो बच्चे हमारे सीडीएस सीएपीएफ एफकैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन बेंचेस बाय एग्जामपुर, ये हमारा आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा असली अगली खबर आती है 26वीं, ई कोर्ट्स इन न्यूज, समाचार में ई कोर्ट, आपने सुना होगा ई कोर्ट, नाम से ही मालूम चल रहा है, ई का मतलब होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक, तो जहां ई शब्द आ जाए ई का मतलब ही होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ई कोर्ट प्रोजेक्ट, ई कोर्ट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स सच पोर्टल इज द रिपोजिटरी ऑफ जजमेंट्स प्रोनाउंस बाय वेरियस हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, निर्णय और आदेश खोज पोर्टल देश के विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों का भंडार है। द ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल इंट्रोड्यूस बाय द ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट, ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल सुप्रीम कोर्ट की ई समिति द्वारा पेश किया गया है, जो अदालत के दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अनुमति देता है। तो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, काफी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया शाबाश, सब लोग जल्दी बताइएगा। हाँ जी जल्दी बताओ, ठीक है जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया। तो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो जस्टिस धनंजय चंद्रचूर, जज
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड चेयरपर्सन ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड जजमेंट्स एंड ऑर्डर पोर्टल एंड ई फाइलिंग मॉड्यूल। तो अब जो जजमेंट और बेटा जो ऑर्डर पोर्टल है और उसके साथ जो ई फाइलिंग है वो बकायदा आप ऑनलाइन देख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स ये देखिएगा IED न्यूज नंबर 27, भारत ऊर्जा डैशबोर्ड जिसे इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड कहा गया है, द इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 वाज लॉन्च्ड बाय भारत ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया, जल्दी बताओ। सो इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 किसने लॉन्च किया है? हां जी, फास्ट फास्ट फास्ट, हां जी जल्दी बताइएगा, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी है बेटा, इसे नीति आयोग ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, ठीक है। हां जी, स्पुतनिक वैक्सीन ये देखिएगा भैया, स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में आप जानते होंगे, अभी रिसेंटली भारत में पहुंच भी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्पुतनिक 5 वैक्सीन के संदर्भ में विचार करें। स्पुतनिक 5 हैव बीन रिकमेंडेड फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन इंडिया फॉलोइंग अ मीटिंग ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। इट वुड बी द सेकेंड कोविड वैक्सीन टू बी मेड अवेलेबल इन इंडिया। जल्दी बताइएगा, स्पुतनिक के बारे में आपने सुना होगा, रशियन वैक्सीन है। हाँ जी, स्पुतनिक जो है बेटा आपको मालूम होना चाहिए, ये रशियन वैक्सीन है और ये स्पुतनिक नाम रखा गया है इसका, रशिया की एक बहुत ही फेमस सैटेलाइट थी, स्पुतनिक उसके नाम पर ही रखा गया है। बहुत बढ़िया, वैसे आपको मालूम होना चाहिए दूसरी नहीं बल्कि तीसरी वैक्सीन है, क्योंकि पहली जो है बेटा कोवैक्सीन है, दूसरी कोविशील्ड है और तीसरी जो है वो स्पुतनिक है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29, IRV 2020 इंडिया राइनो विजन 2020 एंड्स विद अ ट्रांसलोकेशन ऑफ 22 राइनोज इन आसाम, ये देखेगा। सो IRV 2020 ये वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये तो भाई सब लोग बता देंगे, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, कि इंडिया के जो राइनोसरस वाला अभी वो हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी बताइएगा, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ बिल्कुल बेटा, शिवम तिवारी साहब बिल्कुल कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। मानस नेशनल पार्क आपको मालूम होना चाहिए आसाम में स्थित है, याद रखिएगा। तो एम्बिशियस इंडो राइनो विशन केम टू अ क्लोज विद द रिलीज ऑफ 2 राइनोज एन एडल्ट मेल एंड फीमेल इन आसाम मानस नेशनल पार्क, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पॉलीबोत्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबाउट 185 किलोमीटर ईस्ट, तो याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, स्वदेशी अभिजात वर्ग का रजिस्टर नागालैंड, RIIN, ये बहुत बड़ी चीज है। ये देखो बेटा, ये नागालैंड की एक तरह की NRC है, याद रखिएगा, नागा लोगों के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, नागालैंड के स्वदेशी अभिजात वर्ग के रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Its objective is to prevent outsider from obtaining fake indigenous certificates for seeking jobs and benefits of government schemes. इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को सरकारी योजना का लाभ और लाभ के लिए नकली स्वदेशी प्रमाण पत्र प्राप्त करना रोकना है। The state government has formed a 3-member panel headed by retired bureaucrat बनुजो जेड जामिर फॉर एग्जामिनिंग एंड एडवाइजिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RIIN। राज्य सरकार ने ऋण के कार्यान्वयन पर जांच और सलाह देने के लिए सेनावृत्त नौकरशाह बनुजो जामिर की अध्यक्षता में 3-सदस्यीय पैनल का गठन किया है। जल्दी देखो, बहुत अच्छा है, ये नागालैंड वाले लोगों की एक तरह की NRC है। हाँ जी, तो RIIN है जिसे बेटा रजिस्टर फॉर इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड कहा जाता है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी है, बिल्कुल सही है, बोथ 1 और 2, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। ई सांता इन न्यूज, हाँ जी, ई सांता आपने सुना होगा, अब ये सांता क्लॉज से मत जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ई सांता, ई संता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स, यह एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या केंद्रीय कृषि मंत्रालय की पहल है, जल्दी बताओ। हाँ जी, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की पहल है, जल्दी बताओ। तो ये जो है बेटा एक्वा फार्मर्स को बायर्स, एक्वा फार्मर्स क्या होते हैं,
जो बेटा पिसी कल्चर करते हैं, मछली वगैरह जो मछली पालन वगैरह करते हैं, उन्हें बेटा एक्वा कहा जाता है, एक्वा फार्मर्स कहा जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश, राइट आंसर ए है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, याद रख, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का काम है ई सेंटा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके, ये देखो बेटा गंगावरम पोर्ट, ये देखिएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, गंगावरम पोर्ट, ये देखिएगा। हाँ जी, गंगावरम पोर्ट, गंगावरम डीप वाटर पोर्ट इज लोकेटेड एट, गंगावरम गहरे पानी का बंदरगाह कहाँ स्थित है। ये बेटा नया क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम के लिए, और ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, गंगावरम डीप वाटर पोर्ट। तो गंगावरम डीप वाटर पोर्ट, हाँ जी जल्दी बताओ, ये नया पोर्ट हमारा बन रहा है गंगावरम। हाँ जी, तो गंगावरम जो है डीप वाटर पोर्ट, जल्दी बताइएगा, राइट आंसर बेटा बी है, आंध्र प्रदेश में इसको अप्रूवल दे दिया गया है, याद रखिएगा। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 89.6% इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ गंगावरम पोर्ट बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। सो गंगावरम पोर्ट याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसका 90% शेयर जो है वो हमारे अडानी साहब ने खरीद लिया। अब आप जान ही रहे हैं, तो अडानी और अंबानी ही सब कुछ खरीद रहे हैं, बाकी तो किसी कुछ मिलने से रहा। ये देखिएगा पोषण ज्ञान, न्यूज नंबर 33, न्यूज नंबर 33 है पोषण ज्ञान। अब ये पोषण ज्ञान क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पोषण ज्ञान, पोषण ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं, इट इज द नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, या स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी जल्दी देखो, गुड इवनिंग, आ जाइए। तो पोषण ज्ञान, हाँ जी सुना होगा आपने पोषण ज्ञान, तो पोषण ज्ञान आपने सुना होगा, जल्दी बताओ फास्ट फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पोषण ज्ञान, तो पोषण ज्ञान जो है बेटा इट इज अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हाँ जी बिल्कुल सही है, और याद रखिएगा ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का काम नहीं है, बल्कि याद रखिएगा ये नीति आयोग ने किया था बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के। हां जी, ये देखो बेटा मंकी डैक्टिल न्यूज, ये देखिएगा मंकी डक्टाइल, ये देखिएगा मंकी डक्टाइल इन न्यूज, ये देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मंकी डक्टाइल ये क्या है, फॉसिल ऑफ मंकी डेक्टाइल हैज बीन फाउंड इन चाइना इज बिलीव टू बिलोंग टू विच पीरियड, मंकी डेक्टाइल के जीवाश्म चीन में पाए गए हैं, माना जाता है ये किस अवधि का है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइएगा। मंकी डेक्टाइल फॉसिल, आप जानते हैं जीवाश्मों को कहा जाता है, तो एक फॉसिल है जिसका नाम है मंकी डेक्टाइल, उसे चाइना में पाया गया है, किस पीरियड का है, तो ये सिलूरियन पीरियड का है, जुरैसिक का है, ये जो है क्रिटेकीसियस का है या मायूसीन का है, जल्दी बताइएगा। हाँ जी फॉसिल है जिसका नाम है मंकी डेक्टाइल, जल्दी बताइए फास्ट 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 फास्ट, ये कौन से पीरियड का है, तो बेटा ये जुरासिक पीरियड का है, जुरासिक पीरियड वो था जिस पीरियड में बेटा हमारे अर्थ पर डायनासोर्स रहा करते थे, तो उसी को जुरासिक पीरियड कहते हैं। ये देखिएगा द फ्लाइंग रेप्टाइल फ्रॉम जुरासिक पीरियड मे बी द अर्लीस्ट नोन एनिमल दैट कुड टच द इनसाइड्स ऑफ थम्स टू द इनसाइड्स ऑफ अदर फिंगर्स, याद रखिएगा। ये देखिएगा मेटूर सराबंगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, मेटूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, हां जी ये देखिएगा मेटूर सरबंगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये देखिएगा मेटूर सरबंगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेटूर सरबंगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, मेटूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इस परियोजना में महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु के हित शामिल थे। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, परियोजना तमिलनाडु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताइएगा फास्ट। मेटूर सरबंगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, हां जी जल्दी बताओ, मेटूर साराबंगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट फास्ट,
मेटूर सारा बंगाल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपने सुना होगा। बिल्कुल सही है, बोथ आंसर नहीं सही है, ओनली टू सही है। याद रखिएगा इसमें जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, मेटू सरबंगा प्रोजेक्ट में जो है बेनिफिट ऑफ तमिलनाडु है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु है। ठीक है। शाबाश। नेक्स्ट 36वीं न्यूज है, स्टडी फ्लैग्स लेबर इश्यूज इन शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट्स। ये देखिएगा, लेबर इश्यूज इन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात आ रही है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी बताओ। तो भैया ये जो हमारे शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, यहां पर जो है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो है लेबर इश्यूज आ रहे हैं, याद रखिएगा। हाँ जी। तो विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, तो आपको मालूम ही होगा भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। रिसेंट स्टडी हैज रेज द इशू ऑफ एम्बिग्यूटी अबाउट डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर रिलेटेड लॉज इन इंडिया, स्पेशली फॉर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। एक हालिया अध्ययन ने भारत में विशेषकर बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक राज्यों के लिए बलाल श्रम और मजदूर श्रम की परिभाषाओं के बारे में स्पष्टता के मुद्दों को उठाया है। हाँ जी। तो बेटा एक तो बाल श्रम होता है और उसके साथ साथ फोर्स लेबरिंग होती है। मानस ऐप, ये न्यूज नंबर 37 देखिएगा, मानस ऐप क्या है? टू प्रोवाइड हेल्प टू स्टूडेंट्स, प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, न्यू कोविड ट्रेसिंग ऐप, रजिस्टर माइग्रेंट लेबर। मानस के बारे में आपने सुना होगा, मानस ऐप, जल्दी बताओ। मानस ऐप जल्दी बताओ, चाचा विधायक हैं हमारे, बहुत बढ़िया, शाबाश। मानस ऐप जल्दी बताइएगा, ये मानस ऐप क्यों शुरू की गई थी? फास्ट, जल्दी, बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ लोगों को प्रमोट की जाए, तो इसके लिए जो है मानस ऐप, याद रखिएगा। तो फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम बेस्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस इन लाइफ। ठीक है। हाँ जी। इंडिया राइनो विजन 2020, ये देखो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया राइनो विजन वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन राइनो विजन, भारतीय राइनो विजन 2020 से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। इट वॉज लॉन्च इन 2015, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। द गोल ऑफ IRB 2020 वॉज टू इंक्रीज द राइनो पॉपुलेशन इन आसाम टू 3,000 बाई एस्टैब्लिशिंग पॉपुलेशन इन न्यू एरियाज। IRB 2020 का लक्ष्य है असम में राइनो की आबादी को बढ़ाकर 3,000 नए क्षेत्रों में आबादी की स्थापना करना था। जल्दी बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ जी, जल्दी बताइएगा। इंडियन राइनो विजन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर बेटा बी है। ये 2015 में नहीं लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। इसे 2005 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, 2005 में, ना कि 2015 में। आहार क्रांति, हाँ जी, न्यूज नंबर 39 ये देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आहार क्रांति। आहार क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द इनिशिएटिव आहार क्रांति विल बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड टू फॉलो एंड पोर्ट्रेल इंडिया एज अ विश्व गुरु। द प्रोग्राम विल फोकस ऑन ट्रेनिंग टीचर्स टू पास ऑन मैसेज टू द मल्टीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ जी, करेक्ट ऑप्शन बताना है। आहार क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी देखो। आहार क्रांति, आहार खाना, खाने से रिलेटेड बात होगी, आहार हो रहा है, तो आहार क्रांति जल्दी देखिएगा। तो इनिशिएटिव आहार क्रांति विल बी मॉडल फॉर द वर्ल्ड टू फॉलो एंड पोर्ट्रे इंडिया एज अ विश्व गुरु, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बोथ वन एंड टू, आहार क्रांति अभी लाई गई थी। हाँ जी। लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन। भैया देखो, क्लाइमेट चेंज को लेकर तो बवाला होना ही है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया स्टैंड ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, वैश्विक जलवायु पर भारत के रुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई साहब एग्जाम को डिफेंस वॉरियर क्या बात है भाई, आप लोग को मजा नहीं आ रहा लग रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, या तो आप क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं या आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। इंडिया पर कैपिटा कार्बन एमिशन 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज, भारत की प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से 60% कम है। इंडिया इज अमंग फ्यू कंट्रीज हुज एनडीसीज आर 2% कंपैटिबल, भारत उन कुछ देशों में से है जिनकी एनडीसी 2 डिग्री सेल्सियस संगत है। जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। हाँ जी, वैसे तो अगर आपको मालूम होना चाहिए कि भारत दुनिया में, याद रखिएगा, जो पर कैपिटा एमिशन है वो 60% कमी है हमारे देश में, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ वन एंड टू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन को कंट्रोल बहुत खराब है, याद रखिएगा। हाँ जी, ये देखिएगा न्यूज नंबर 41, द हेग असाइनमेंट, ये भी न्यूज नंबर 41 काफी अच्छी खबर है, द हेग असाइनमेंट। ये देखो बेटा, जीसी मुर्मू हैज बीन चोजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय ओपीसीडब्ल्यू इन इंडिया, इज इंडियास। जीसी मुर्मू को ओपीसीडब्ल्यू द्वारा बाहरी ऑडिटर के रूप में चुना गया है। भारत के क्या हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, हमारे जीसी मुर्मू साहब भारत के क्या हैं? अरे भैया, इन्हें अभी ओपीसीडब्ल्यू का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है, आर्टिकल नंबर 148 में बताए गए हैं ये। जल्दी बताइए, जीसी मुर्मू साहब, ये पहले जम्मू कश्मीर के एलजीबी थे, अभी भारत के फिलहाल सीएजी हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। हां जी, शाबाश। हार्लेकिन इचियोटोसिस रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्लेकिन इचियोटोसिस दुर्लभ अनुवांशिक विकार, यहां बच्चे का शरीर जो होता है बेटा वो बिल्कुल मछली की स्किन जैसा दिखाई देता है, ये रेयर डिसऑर्डर होता है। तो म्यूटेशन इन विच जीन दस कॉज हार्लेकिन इचियोटोसिस, जो जीव में परिवर्तन हार्लेकिन मत्सरता का कारण है, जल्दी बताओ। ये बेटा एक ऐसा जीन में परिवर्तन होता है जिससे आपको हार्लेकिन इचियोटोसिस हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ 250 लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, और भारत में ये पहला केस अभी उड़ीसा में देखा गया है, याद रखिएगा। तो ये हार्लेकिन इचियोटोसिस, जहां पर बच्चे की जो स्किन होती है वो मछली की तरह हो जाती है बिल्कुल, तो ये बेटा ABCA12 नाम का एक जीन होता है, उसके वजह से होती है। हाँ जी, राइट आंसर बी है, ये देख सकते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे, भैया देखो मलेरिया डे से क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2021, विश्व मलेरिया दिवस का क्या थीम था? वर्ल्ड अगेंस्ट मलेरिया, बैटल अगेंस्ट मलेरिया, रीचिंग टू द जीरो मलेरिया टारगेट, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ, वर्ल्ड मलेरिया डे, हां जी जल्दी, विश्व मलेरिया डे, विश्व मलेरिया डे का टाइटल क्या था? जल्दी देखते हैं कौन सही बताता है। बिल्कुल सही है बेटा, याद रखिएगा, राइट आंसर सी है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ठीक है। हां जी, और वर्ल्ड मलेरिया डे आपको मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल मनाया जाता है 25 अप्रैल को। हां जी, शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपने देखा होगा, ये शैंडलर एक संस्थान है जो कि फ्रांस में है, ये सुशासन पर जो है बेटा इंडेक्स बनाती है कि दुनिया के देशों में शासन कैसा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द पिलर्स ऑफ शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, निम्नलिखित में से कौन सा शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स के संदर्भ में है? आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में 104 देशों की रैंकिंग में भारत को 49वां नंबर मिला है गुड गवर्नेंस में, सुशासन में। हाँ जी, शैंडलर में। तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, रोबस्ट लॉज, हेल्पिंग पीपल राइज, ऑल ऑफ द अबव। जाहिर सी बात है, अगर आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हैं, लॉज मजबूत हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, तो भैया देश में सुशासन तो अपने आप ही इकट्ठा हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, शाबाश। 49 रैंक आई है भारत की, टॉप जो है बेटा स्विट्जरलैंड, फिनलैंड ने टॉप किया है। प्रोजेक्ट दंटक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बेटा अभी 50 साल पूरे हो गए, इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। प्रोजेक्ट दंटक, इन विच ईयर अ विजनरी दंटक प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश, किस वर्ष में दूरदर्शी परियोजना स्थापित की गई थी? प्रोजेक्ट दंटक, हां जी, ये बेटा 60 साल हो गए, सॉरी इसको, ठीक है 60, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूटान के लिए थी। तो भूटान में जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क हैं वो हमारे भारत ने करे थे, और इसे 1961 में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने शुरू किया था, याद रखिएगा। हाँ जी, बीआरओ ने किया था, ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है, 24 अप्रैल 1961 को। ये देखो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी।
तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, ये इसका इस्तेमाल जो है बेटा हेलीकॉप्टर्स में किया जाता है और ये हमारे देश में भी नई टेक्नोलॉजी बनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, इसरो हैज डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी, इसरो ने इस तकनीक को विकसित किया है। वेरी फ्यू कंट्रीज यूएस यूके फ्रांस एंड रशिया हैव द कैपेबिलिटी डिजाइन मैन्युफैक्चर सच सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट्स। जल्दी बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। भाई साहब अभी 100 लाइक हुए नहीं है, 100 लाइक में अभी बहुत कमी है भाई साहब। ऑनलाइन बेंचर्स पर टोटल लाइक हो चुके हैं 90 और एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर टोटल लाइक हुए हैं 80। क्या बात है। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी जो है ये इससे इसरो का कोई लेना देना नहीं है, डीआरडीओ ने बनाया है। ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। हाँ जी, तो डीआरडीओ ने बनाया है बेटा, इसरो क्या करेगा इसे बना करके। ठीक है, हाँ जी। द अर्मेनियन जेनोसाइड, ये देखिएगा अर्मेनियाई नरसंहार हुआ था, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अर्मेनियन जेनोसाइड, इंडिया हैज ऑलरेडी फॉर्मली रिकॉग्नाइज द अर्मेनियन जेनोसाइड वे बैक इन 1993। द अर्मेनियन जेनोसाइड इज कॉल्ड द फर्स्ट जेनोसाइड ऑफ 20वीं सेंचुरी, अप्रोक्सीमेटली 1,500,000 अर्मेनियंस डाइड ड्यूरिंग द जेनोसाइड। हाँ जी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, पूछा गया है कौन सा सही है। अभी आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन क्यों पूछा गया, कि यूएसए ने मान्यता दे दी है कि हाँ कि वो एक जेनोसाइड था। राइट आंसर बेटा बी हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि भारत ने इसे नहीं दिया है, यूएसए ने दिया है, याद रखिएगा इसे। हाँ जी, असम अर्थक्वेक, न्यूज नंबर 48। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक, भूकंप के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी इज एन ऑफिस ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी भारत के पर्यावरण मंत्रालय का एक कार्यालय है। द साइस्मोलॉजी डिवीजन एंड अर्थक्वेक रिस्क इवैल्यूएशन सेंटर ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मर्ज विद एनसीएस इन अगस्त 2014 टू मोर इफेक्टिवली मॉनिटर रिसर्च सीस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज। भारतीय मौसम विज्ञान भूभाग विभाग का भूकंपीय प्रभाग भूकंप जोखिम मूल्यांकन केंद्र अगस्त 2014 में एनसीएस के साथ विलय होकर अधिक प्रभावी रूप से निगरानी और अनुसंधान के रूप में गतिविधि तैयार है। जल्दी बताइएगा। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, गलत मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिल्कुल सही है। राइट आंसर बेटा बी है 2 only, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आता है। तो जब भी बात जो है भूकंप से आएगी तो वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। फाइथन 5 इन न्यूज, ये देखेगा, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। रिसेंटली सीन इन न्यूज, पाइथन 5 इज अ क्या है, हाल में ही समाचार में देखा गया पाइथन 5 क्या है। एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ पाइथन 5। हाँ जी, ये न्यूज में था, अभी हाल में ही न्यूज में था पाइथन 5, ये क्या है। 49, बिल्कुल सही है, शाबाश, लोगों के अच्छे जवाब है बेटा, ये एयर टू एयर मिसाइल है। हाँ जी, इसे जो है बेटा पाइथन 5 को लगाया गया है एलसीए तेजस में, याद रखिएगा। लास्ट है मुरारजी देसाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इन न्यूज, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन फुली फंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या पूरी तरह से आयुष मंत्रालय सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का एक स्वास्थ्य संस्थान है। द इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड 1970, इसकी शुरुआत 1970 में की गई। अब मुरारजी देसाई बेटा 1978 में तो देश के पीएम थे, अब 1970 में जो है इनके नाम से कोई चीज शुरू होना, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है। राइट आंसर बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर आयुष मिनिस्ट्री ऑफरिंग ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है लोगों को ताकि एंजाइटी रिलीव हो सके, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, सो ये हो गया भैया हमारा करंट अफेयर अप्रैल 2021, कैसा रहा आप बताओ, मजा आया कि नहीं आया। तो भैया ये मजा आया कि नहीं आया आप लोग को अप्रैल, हाँ जी, मतलब ऐसा लगा कि नहीं लगा कि अप्रैल 2021 आपका पूरा खत्म हो गया, इससे ज्यादा मजा आया कि नहीं आया।
और परिवर्तन बैच 1499 में मिल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। 2 दिन बचे हैं इसको खरीदने के, लास्ट डेट 10th में है, खरीद लीजिए फटाफट। 1 साल की वैलिडिटी, 70+ कोर्सेज। नंबर पर कॉल करें, यहाँ व्हाट्सएप करें। बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा, सब लोग लाइक बटन जरूर दिखाइएगा। और एनडीए का बैच हमारा शुरू हो चुका है 3 मई से, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए। हमारा CAPF का पेपर ज्वाइन शुरू हो चुका है 3 तारीख से, OTA शुरू हो चुका है 3 तारीख से, XY ग्रुप शुरू हो चुका है, नेवी शुरू हो चुका है, सारे बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो भाई साहब सब लोग लाइक बटन जरूर दिखा दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। 100 लाइक होने वाले हैं, थोड़े से ही रह गए हैं, ठीक है। हेल्थ मेरी धीरे धीरे ठीक हो रही है बेटा, अप्रैल खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका PDF उठाना है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब काफ़ी अच्छा लगा आज सेशन पढ़ाने में, हालांकि लोग काफ़ी कम थे, बट स्टिल पढ़ाई का वैल्यू है। कम लोग पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, और सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।